नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं इंजीनियरिंंग मैकेनिक्स में। ये दोस्तों एक पुली है, बेल टेन पुली अरेंजमेंट आपने देखा होगा, चाहे वो आटे की चक्की हो या फिर कोई आजकल ब्लोअर वगैरह, अगर आपने देखे हो HVAC वगैरह हम जो होते हैं उसमें भी बेल टेन पुली अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द पुली शोन इन फिगर ए इज सब्जेक्टेड टू द बेल्ट फोर्सेज पी एंड क्यू यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ये है दोस्तों, ये पी है और ये क्यू है। पी है 120 न्यूटन और क्यू है 100 न्यूटन। पी क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल अगर हम यहाँ एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल से अगर मेजर करें तो ये 30 डिग्री पे है। 120 कॉस 30 आई प्लस 120 साइन 30 जे। क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहीं से एंगल ये कितना हो जाएगा, 180 प्लस 70 250 हो जाएगा दोस्तों एंगल ये। 100 कॉस 250 आई प्लस 100 साइन 250 जे। तो दोस्तों रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू दोनों में वेक्टर जोड़ देते, कॉरेस्पॉन्डिंग आई और जे टर्म हम जोड़ देते हैं, तो हमें मिल जाएगा दोस्तों आर वेक्टर इक्वल टू 69.72 आई प्लस माइनस 33.97 जे। एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 इनवर्स माइनस 33.97 जे कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, ये आ जाएगा दोस्तों माइनस 26 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना आ जाएगा दोस्तों, स्क्वायर ऑफ दिस टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ दिस टर्म एंड देन अंडर रूट 77.55 किलो न्यूटन। नहीं दोस्तों ये हमें न्यूटन में ही दे रखा था, न्यूटन में है ये। अगर आप 77.55 का कॉस माइनस 26 करेंगे, कॉस माइनस 26 तो हमारा ये एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आना चाहिए, और अगर जब 77.55 का साइन माइनस 26 करेंगे तो हमें माइनस 33.97 आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो आपका थीटा और आर सही है। धन्यवाद दोस्तों।